बहुत नुकसान कर रहे हैं गेहूं ने चुगे और बंगा बरसी तो खमे भी ना आवे और मेरी तो पकी पकाई भुटिया दो भी गए भुटी उड़ा दई। आज क्या तारीख है? आज 11 है भैया। अब भी घूम रही हैं ना? अब हम तो इंगे स्वाई इंगे तो है ना, और इंगे या जंगल में रहे हैं अब भी। हाँ सांझ को बारे हैं आके नहीं है इनमें खेतन में गेहूं नहीं ज्यादा चुगे हैं। 3 बछड़े एक गाय। कब छोड़ के गए थे? 2 बछड़े कल लाए, एक गाय एक बछड़ा आ जाया। खाना पीना कौन देता है? ये सब समस्या जिसकी इच्छा करती है वो दे देगा। और ये बाकी गाय कहाँ से आई हुई हैं? ये कटने नहीं जा रही हैं तो ट्रकों में आग लगा दी, इनको लगा के हवा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आवारा पशु घूम रहे थे उनके लिए 10 तारीख तक गौशाला बनवाकर गौशाला में छोड़ने के आदेश दिए हों, मगर मेरे पीछे जो ये गाय हैं गौशाला में अभी तक नहीं छोड़ी गई हैं। बाकी जो इस गांव में आए हुए हैं, गांव वालों का साफ कहना है कि गांव के जो गेहूं की खेती है, सरसों की खेती है, उसमें लगातार जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं। हमने खेती में पहरा देते हैं बाकायदा, कहीं हमने चौबंदी भी की है, तार लगाए गए हैं, और उसके बावजूद भी जो हमारा नुकसान है वो हो रहा है, मगर जो आला अधिकारी हैं उनके कान पर अभी भी जू नहीं रहेंगी है। भले ही गौशालाओं के निर्माण चालू करा दिए हों मगर जो अभी आवारा पशु हैं वो बरकरार गांव में घूम रहे हैं और किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। वरुण शर्मा, पत्रकार टीवी, बुलंदशहर।